अगर तुम बिहार से हो और तुम अपने देश से बाहर कहीं गल्फ में कमाए जाना चाहते हो तो तुम्हारे लिए मूवी बनी है द गॉड लाइफ, एक बार जरूर देख लेना। तो चलो बात करते हैं फिल्म में का है। नजीब मोहम्मद के रोल में पृथ्वीराज सुकुमारन का एक्टिंग और आमला पॉल की केमिस्ट्री भैया गजब। पृथ्वी और पॉल का रोमांस तुम जितना करीब से एंजॉय करते हो उतना ही दूर भागते हो नजीब के भेड़ बकरी के लाइफ से। हमारे बिहार में मम्मियाँ कहती हैं कि बबुआ पढ़ लो ना तो भेड़ बकरी चराए की पड़ी। मुझे लगता है कि डायरेक्टर साहब उस बात को सीरियसली ले लिए। फिल्म की स्टोरी 2008 में आई नॉवल आदि जूथम से लिया गया है जो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। केला के नजीम जो नदियों में डुबकी लगाता है और रेत निकालता है उससे इतना कमाई नहीं हो पाती है जिससे वो अपनी फैमिली को अच्छा मकान कपड़ा और छोटी छोटी खुशियाँ दे पाए। इसलिए किसी एजेंट से मिलकर उसे 30,000 रुपया देकर सऊदी अरबिया जाता है और असली प्रॉब्लम तो वहाँ शुरू होती है। या जो एक्सपेक्ट करके जाता है कि अच्छा एसी वाला रूम मिलेगा, खाने को मिलेगा, कपड़ा मिलेगा, उसके विपरीत होता है। उसे मिलता है रेगिस्तान, खुला आसमान और खाने को रोटी और पानी। भाई जब जब वो किसी तकलीफ में फंसता है उसे फैमिली याद आती है, उसकी पत्नी याद आती है और तभी इतना अच्छा लगता है यार। एक तरफ गांव और एक तरफ वो डिजर्ट, एक तरफ गांव और एक तरफ वो डिजर्ट मिक्स करके जो आपका दिल ऐसे बहलाती है जैसे आप रोमांस भी देख रहे हो और रियल भी देख रहे हो कि कैसे लोग फंसते हैं जाकर अरबों में। तो मेरे ख्याल से यार इंडिया में कमाओ पर गल्फ बन जाओ। बाकी ये चीज़ तुम फिल्म में देखना कि आखिर अजीम वहाँ पे कैसे अपने जीवन को गुजारता है, कैसे इंडिया लौटता है और उसके साथ जो गया होता है उसके साथ क्या होता है, इधर फैमिली के साथ क्या होती है। यार जो रोमांस है पॉल एंड पृथ्वी का वो बहुत इंटरेस्टिंग है। वो नाव वाला, वो बारिश वाला, वो मछली वाला हर सीन। तो एक तरफ आप डिजर्ट देखते हो तो आपका मन भागता है उस फिल्म से और एक तरफ जब रोमांस देखते हो तो आपका दिमाग और दिल ठहरे रहता है। तो डायरेक्टर साहब ने बड़े कमाल से, बड़े खूबसूरती से पेश किया है एक तरफ रोमांस और एक तरफ वो डिजर्ट का सीन। ये तो मुझे लगा तुमको भी कुछ लगा तो मुझसे बताओ।